दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप में अब केवल दो ही टीमें बची हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान। दोनों ही टीमों में कौन बनेगा विश्व विजेता, इसका फैसला 13 नवंबर के दिन होगा। ये मैच कितने बजे से शुरू होगा, मुकाबले में बारिश की संभावना कितनी है और मैच होगा भी या फिर नहीं होगा या फिर बारिश से धुल जाएगा, सारी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और मास्टर प्लान के बारे में भी बताएंगे और इस वीडियो में एक एक लाइव अपडेट हम आपको देंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में किसे होना चाहिए टीम इंडिया का कप्तान, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 2022 का विश्व कप ऐसा रहा जिसे हमेशा याद किया जाएगा। इस बार के विश्व कप में कई बार उलटफेर देखने को मिले। वेस्टइंडीज पहले ही बाहर हो गई, नीदरलैंड ने अफ्रीका को हरा दिया और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया, और जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की सबसे ज्यादा दावेदार थी उसे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हरा दिया, वो भी 10 विकेट से शर्मनाक तरीके से, और उनके वर्ल्ड कप का सफर खत्म कर दिया। अब 2022 के विश्व कप में केवल दो टीमें बची हैं और वो हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान। इंग्लैंड अपने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में आयरलैंड से हार गई थी और वहीं पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हार गई थी। दोनों टीमें कमजोर टीमों से हार गई थी, लेकिन दोनों टीमें अब कमबैक करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि T20 विश्व कप का अंतिम फैसला 13 नवंबर के दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है। लगभग 1 लाख की क्षमता वाले इस स्टेडियम में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस गवाह बनेंगे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कौन होगा विश्व चैंपियन, जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है, उसके बाद तो यही उम्मीद है कि अब पाकिस्तान की टीम शायद ही वर्ल्ड कप जीत पाए। और ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे से खेला जाएगा, जिसे आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इस मुकाबले में जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि मेलबर्न का मैदान काफी बड़ा है और यहाँ पर अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा रन बना दिए तो सामने वाली टीम पर प्रेशर आ जाएगा। पाकिस्तान के पास उनके कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हैरिस, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे बड़े धाकड़ खिलाड़ी हैं जो अपना दिन होने पर अकेले ही मुकाबला पलट सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, जिनके पास जॉश बटलर, एलेक्स हिल्स, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स, सैम करन जैसे धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपना दिन होने पर किसी भी गेंदबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। ये मुकाबला पाकिस्तान की गेंदबाजी और इंग्लैंड की बल्लेबाजी के रूप में देखा जा रहा है। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, पर ये तभी संभव हो पाएगा जब मुकाबला होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मेलबर्न में रविवार और सोमवार दोनों ही दिन बारिश का अनुमान लगाया गया और अगर ऐसा होता है तो फाइनल मुकाबला रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में दोनों ही टीमों को ट्रॉफी शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी फेल साबित हुई है और प्रशंसकों को बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।